हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु मंडी टैरो। और ये रीडिंग है 9th फरवरी से लेके 15th फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर वर्गोस, टू ऑफ चैलिसेस, Two of Pentacles, the Earth Mother, Three of Chalices, and Five of Wands. To Cancer, Two of Chalices के साथ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा फील करवा रहा है जैसे आप उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में और कोई चीज नहीं हो सकती और कोई पर्सन नहीं हो सकता। आप दोनों बहुत क्लोज नजर आ रहे हैं, एक रोमांटिक कपल की तरह, पर फिर ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन कर देता है या आपसे ये कहता है कि ये अभी भी एक स्ट्रांग फ्रेंडशिप है या ये रिलेशनशिप स्टेज पे नहीं है जब वो आपको कोई कमिटमेंट दे सके। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आखिर कर क्या रहा है, क्या ये आपको लेके वाकई में सीरियस है या ये किसी तरीके का धोखा है। इनफैक्ट टू ऑफ पेंटिकल्स आपको काफी परेशान कर सकता है इस वीक में। टू ऑफ चैलिसेस के साथ कैंसर, आप समझ नहीं पाएंगे आप कैसे रिएक्ट करें। ओके, एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये पर्सन जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है, आपके क्लोज है एंड ये आपके ट्रू लवर है, अच्छे फ्रेंड है। ऐसा कनेक्शन शायद आपने पहले कभी किसी और के साथ फील नहीं किया, पर फिर आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। द अर्थ मदर है एक नई शुरुआत के बारे में, तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि वो इस तरीके से आपको इग्नोर नहीं कर सकते या इस तरीके से बार बार किसी बात को टालने से या कमिटमेंट को टालने से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट द अर्थ मदर आपसे कह रही है कि यहां पे कुछ नया क्रिएट हो रहा है, कुछ नया जन्म लेने वाला है एंड आई थिंक ये जो चेंज है ये सेलिब्रेशन लेके आएगा, क्योंकि द अर्थ मदर के बाद थ्री ऑफ चैलिसेस है, तो सर्टनली यहां पे किसी तरीके का सेलिब्रेशन देख रही हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि द अर्थ मदर आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आएगी जिसके बाद आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो कैंसर, आई थिंक ये पर्सन समझ चुका है कि अब आप और वेट नहीं कर सकते या आपको और वेट अप कराना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर कर रहा हो, क्योंकि मैं यहां देख रही हूं फाइव ऑफ वांड्स। फाइव ऑफ वांड्स है एक स्ट्रगल के बारे में जो बैकग्राउंड में चल रहा है, एक ऐसी चीज जो शायद आप देख नहीं सकते पर ऑलरेडी वर्क में है। ओके, तो शायद ये पर्सन ऑलरेडी शुरू कर चुका है बातें इस टॉपिक पे अपने फैमिली मेंबर्स से और बाकी लोगों से ताकि वो आपको कमिटमेंट दे सके, पर इस वीक में मुझे लगता नहीं कि ये चीजें इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाली हैं या अचानक से ये चीजें चेंज हो जाने वाली हैं। ये पर्सन कोशिश तो कर रहा है, इस वीक में कुछ नया जरूर शुरू हुआ है द अर्थ मदर के साथ, यही शिफ्ट यू नो शो हो रहा है, यानी ये पर्सन पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर आई है और धीरे धीरे ये ट्रांजिशन एक नया शेप लेगा। ओके, हो सकता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, ये आप देख रहे हैं ये जो वुमेन है ये प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपको रिजल्ट दे जो भी एफर्ट अभी स्टार्ट हुए हैं। यानी अगर ये पर्सन अभी से इस रिलेशनशिप के लिए बैकग्राउंड तैयार करना शुरू करेगा तो शायद कैंसर आप में से बहुत सारे लोगों को 9 मंथ्स के बाद किसी तरीके का कमिटमेंट मिल जाए। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी,
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, द क्रोन, फाइव ऑफ चैलिसेस एंड किंग ऑफ एटम्स। ओके, तो हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है मुझे कि एक पर्सन स्लोली स्लोली आपके पास आ रहा है। ओके, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। कैंसर वाकई में, अगर आप इस टू ऑफ पेंटिकल्स से परेशान हैं, आप लगातार सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये रिलेशनशिप रिस्की है, क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख रही हूं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, हालांकि ये उतनी जल्दी नहीं हो रहा जितनी जल्दी आप चाहेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ समय जरूर लगेगा, जैसा कि मैंने कहा ये 9 मंथ्स का समय ले सकता है, और ये पर्सन काफी धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स उन्हें चाहिए। कैंसर, आप इस पॉइंट पे उनके लिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स है। इस पर्सन को पता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप गॉर्जियस हैं, और ऐसा नहीं है कि आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते या आप में कोई और इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में हैं। वो जानते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं एंड आप काफी कॉन्फिडेंट हैं, अपने रास्ते को अकेले भी तय कर सकते हैं, और ये चीज इस पर्सन को यकीनन डरा रही है। ओके, उन्हें लगता है कि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो आपको उनसे दूर ले जाएगी अगर जल्द ही उन्होंने कुछ एक्ट नहीं किया तो। ओके, हमारे पास द क्रोन का कार्ड है। क्रोन के साथ लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पर ये कॉम्प्लिकेशंस इतने बड़े नहीं होंगे जो कि आपका रास्ता रोक सके। ओके, क्योंकि ये पर्सन स्ट्रेंथ बटोर रहा है अपनी गलतियों को ठीक करने की। किंग ऑफ एटम्स अकेले रह रहे के परेशान हो गया है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अकेले रह सके। इस पर्सन को चाहिए किसी ना किसी का साथ, एंड वो साथ उन्हें आपसे ही मिलेगा। ये पर्सन ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा है अपने डिसीजंस को, और ये ज्यादा दिन तक इस स्टबर्न मोड में नहीं रह सकते। ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि आप दोनों वापस करीब आए, क्योंकि फाइव ऑफ चैलिसेस इनका पछतावा दिखा रहा है। फाइव ऑफ चैलिसेस ये शो कर रहा है कि ये पर्सन कितना ज्यादा कंफ्यूज है और कितना ज्यादा वरीड है इस पॉइंट पे। वो चाहते हैं कि ये जो रिग्रेट है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए अगर वो आपको अप्रोच नहीं करते या अगर वो अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेते, तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स कहीं और निकल जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स अपने लिए खुशियां तलाश सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स कॉन्फिडेंट है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स ब्यूटीफुल है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स के रास्ते में कोई ब्लॉकेज ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। तो यकीनन कैंसर, इस पर्सन को ये पता है कि अब उन्हें अपने ईगो और अपने डाउट्स को, अपने गलतियों को साइड में रख के ये ना कोई वाइज फैसला लेना पड़ेगा, और वैसे भी कमिटमेंट देने के लिए करेक्ट चाहिए। इस पर्सन को पता है कि इसके लिए उन्हें चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर, और आपका भरोसा जीतना पड़ेगा। तो द क्रोन के साथ ये पर्सन स्ट्रेंथ बतोड़ रहा है। ये पर्सन धीरे धीरे पजल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि स्ट्रेंथ शो करे अपनी, आपको प्रूफ करके दिखाएं कि वो अपने लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे उन्हें कंट्रोल नहीं करते, और वो किंग है जो अपना फैसला खुद ले सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैंसर। योगा, योर लाइफ इज एनहेंस्ड बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज। कैंसर, टू ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, एंड अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है इस पर्सन की अप्रोच से या हरकतों से, तो शायद योगा आपकी मदद कर सकता है।
योगा हमारे चक्रास को क्लीन करता है, ब्लॉकेजेस रिमूव करता है एंड उसका असर हमारी फिजिकल लाइफ पे भी दिखता है। तो यहाँ जरूरी है अपने स्ट्रेस को कम करना और हील करना। एंड जैसे जैसे आप हील होंगे आपके आसपास की चीजें भी बदलती जाएंगी। ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।